हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं सोनी सिंह खुशी एक सबेरा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं टमाटर की खट्टी मीठी एंड तीखी चटनी। इस चटनी को आप समोसे, कचौड़ी या आलू के पराठे के साथ भी खा सकती हैं। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 1 kg पका हुआ टमाटर लिया है। तो जब भी आप चटनी बनाने के लिए टमाटर लें तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें, टमाटर पका होना चाहिए। ये मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया था और कढ़ाई गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें 2 चम्मच तेल ऐड कर रही हूँ। तेल गर्म हो चुका है तो अब मैं इसमें 1/2 छोटी चम्मच जीरा ऐड कर लेती हूँ और 1/2 छोटी चम्मच पाँचफोरन ऐड कर लेती हूँ। अब मैं इसमें 2 तेज़पत्ते ऐड कर लूँगी। अब मैं इसमें 4 से 5 सूखी मिर्च को तोड़ के डाल लेती हूँ। आप अगर तीखा कम खाना पसंद करते हैं तो मिर्ची कम ऐड करें। सारे खड़े मसाले अच्छे से भून चुके हैं तो अब मैं इसमें कटा हुआ टमाटर ऐड कर लूँगी। टमाटर को मैंने रफली काट लिया है। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर लेती हूँ और 1 चम्मच नमक ऐड कर लूँगी। अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद मैं गैस का फ्लेम मीडियम कर दूँगी और इसे पकने दूँगी। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं तो मैं इसे फिर से चला रही हूँ। आप देख सकती हैं टमाटर अच्छे से पक चुका है। तो अब मैं इसमें 250 ग्राम चीनी ऐड कर रही हूँ। तो चीनी मैंने ऐड कर लिया है तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे 4 से 5 मिनट के लिए फिर से पकने देंगे। चार से पाँच मिनट हो चुके हैं और चीनी भी अच्छे से घुल चुका है। अब हम चटनी को अच्छे से सूखने तक पका लेंगे। तो 5 से 6 मिनट चटनी को पकाने के बाद आप देख सकती हैं टमाटर भी अच्छे से गल चुका है और पानी भी अच्छे से सूख चुका है। तो अभी ये चटनी खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलिए हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। तो आप इस चटनी को 1 सप्ताह तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकती हैं। सर्दी हो या गर्मी, जब आपका मन हो आप इस चटनी को बनाएं, खाएं और मुझे ज़रूर कमेंट करें कि आपको ये पसंद आया है कि नहीं। और अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।